वीर्य की या धातु की टेस्ट कैसे करें, क्यों करें, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब बच्चा होता नहीं है शादी के बाद में, तो पहला काम डॉक्टर बताते हैं कि पहले स्पर्म टेस्ट कर लो, आपका वीर्य टेस्ट कर लो, उसमें स्पर्म्स है कि नहीं, शुक्राणु है कि नहीं, क्योंकि वो जरूरी है। यदि स्पर्म ही नहीं है या स्पर्म एबनॉर्मल है तो फिर बच्चा होगा ही नहीं। तो शादी के बाद में यूजली लोग बताते कि नहीं, हम तो प्लानिंग कर रहे हैं, हमको तो भी बच्चा चाहिए नहीं है। तो फिर 6-8 महीने साल भर निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता क्या है। तो और बाद में जब बच्चा चाहत है बच्चा होने की और बच्चा भी नहीं हो रहा है, तो उसमें फिर 5-6 महीने निकल जाते हैं और फिर लोग टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है? टेस्ट करने के लिए एक तो वीर्य जो निकालना है वो हाथ से निकालना होगा। यदि हाथ से निकालना, यदि कोई आपके धार्मिक कारण है उसके वजह से चलता नहीं है, तो फिर आप सेक्स करने से में वीर्य कंडोम में जमा कर सकते, मतलब कंडोम पहनना है और वो डॉक्टर को तपासने के लिए दे सकते हैं। वीर्य यदि टेस्ट करना है आपको तो दो तरह के, मतलब दो कारणों से होता है। एक कारण ये है कि बच्चा नहीं हो रहा है शादी के बाद में, उसके लिए टेस्ट करते हैं, या फिर कुटुंब नियोजन की शस्त्रक्रिया हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद में टेस्ट करते कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। 3 से 7 दिन आपने सेक्स नहीं करना चाहिए पहले, टेस्ट करने के पहले, क्योंकि फिर उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी आपको मिल सकती है। तो 3 से 7 दिन आप सेक्स नहीं करोगे, उसमें टेस्ट करना जरूरी है। तो टेस्ट क्या करना है, टेस्ट करने के समय देखते कि स्पर्म काउंट कितना है पर ml। यूजली पर ml 60 मिलियन से लेके 120 मिलियन, मतलब 6 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक उसका काउंट रहता है 1 ml में। यदि 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ से यदि कम है 1 ml में, तो बच्चा होने को तकलीफ जा सकती, प्रॉब्लम जा सकती है। मतलब 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ भी है तभी बच्चा हो सकता है, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं हो सकता है। स्पर्म जब देखते हैं मतलब शुक्राणु, तो उनका उनका pH जो है वीर्य का, वो अल्कलाइन है कि नहीं वो देखते हैं, क्योंकि एसिडिक यदि वीर्य है, एसिड है, तो उसमें स्पर्म ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। स्पर्म को क्या होता है, हेड रहता है और टेल रहता है, सामने का भाग एक रहता है, पीछे का भाग रहता है। अब सामने का भाग जो रहता है वो पेनिट्रेट करता है एग में, फीमेल एग में, और वहाँ उनका संयोग होता है। टेल जो रहता है पीछे की उसकी जो पूंछ, वो ट्रैवल करने में, मतलब अंदर वजाना में जाने के बाद में ऊपर तक उसको चलाने में, लेकर जाने में काम में आती। वैसे वो देखना है कि भाई उसका क्वांटिटी बराबर है कि नहीं, 2 से 3 ml क्वांटिटी होना जरूरी है, एसिडिक होना जरूरी है, मोटिलिटी अच्छी है कि नहीं है, मतलब चलन उसका जो परिवहन है वो बराबर है कि नहीं है। वो यदि कमज़ोर है तो प्रॉब्लम है। और 2 से 3 ml जब आता है तो कितने स्पर्म्स लाइव है, जीवित कितने हैं 1 ml में, वो भी देखना जरूरी है। तो ये सब रिपोर्ट आपको पैथोलॉजी से मिल जाता है, और वो रिपोर्ट लेकर फिर आप देख सकते हैं कि भाई स्पर्म काउंट बराबर है, सीमेन बराबर है, और बच्चा होने के चांसेस ठीक है। तो फिर यदि उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई देता नहीं है, तो फिर हमारा ख्याल जाता है लेडीज़ की तरफ कि भाई उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जिसके वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वो एक अलग वीडियो में आपको मिल सकता है। ये यहाँ ये वीडियो में इतना ही है कि स्पर्म काउंट, वीर्य में स्पर्म काउंट 0 भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं अजूस्पर्मिया। 20 से कम है मतलब 20 मिलियन से कम है, 2 करोड़ से कम है पर ml, तो उसको बोलते हैं ऑलिगोस्पर्मिया। तो इसमें बच्चा होने के चांसेस कम रहते हैं। तो अभी इतना ही। यदि आपको बच्चा होता नहीं है तो ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि यदि स्पर्म काउंट बराबर है कि नहीं है, ये शादी के पहले देख लेते तो, क्योंकि यदि ऐसा होता है कि स्पर्म काउंट नहीं है, अजूस्पर्मी है, फिर क्या करना, फिर तो कुछ कर भी सकते नहीं है। मगर अभी ऐसा है कि वो बहुत ऑफेंड नहीं हो सकता है। यदि लड़की वालों ने पूछा लड़के वालों को कि भाई आपका वीर्य तपास लो और हमें रिपोर्ट चाहिए कि वो नॉर्मल है, तो ऑफेंडिंग हो सकता है उनको, मगर हो सकता है कि कुछ दिनों में ऐसा आ जाएगा, क्योंकि शादी के बाद में फिर तपासना, बच्चा नहीं हो रहा है उसके बारे शादी के बारे तपास तो अच्छा है। फिर लड़के वाले भी पूछ सकते हैं लड़की वालों को कि भाई आप टेस्ट कर लो, कि आपका गर्भाशय टेस्ट कर लो,
आपके पीरियड बराबर है कि नहीं, और वो रिपोर्ट हमें दे दो, ताकि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम पहले से ही है तो फिर बच्चा होगा नहीं, बाद में तकलीफ करना, बाद में पैसे खर्चा करना, उसके पहले हम टेस्ट कर लेंगे। तो ऐसा दोनों एक दूसरे को पूछ सकते हैं, भले वो सिचुएशन अकवर्ड है मगर पूछेंगे तो बाद में के प्रॉब्लम्स टल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में लोग नॉर्मली, ऐसा समय आ जाएगा नॉर्मली लोग पूछेंगे कि नहीं भाई हमको ये तो रिपोर्ट जरूरी है करके। वो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।